किसान साथियों कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि हमारे किसान साथी अपना स्टार्टअप किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं और एक सफल स्टार्टअप कैसे बन सकते हैं, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। आप सेवानिवृत्त डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर्स में हैं और आप इंक्यूबेशन सेंटर के संस्थापक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक स्टार्टअप, ठीक है, हमारे किसान साथियों के जहन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप का मतलब क्या है। जी और सबसे किसान साथियों आपको साथ के साथ बता दें कि आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन भी कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी समस्या हैं उनका समाधान जान सकते हैं डॉक्टर साहब से, और फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 704-404-409। अगर आप हमें जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का एसटी कोड लगाना ना भूलिए जो कि है 0141। और आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर सबसे पहला सवाल कि जैसे स्टार्टअप, तो हमारे किसान साथी सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप का मतलब क्या है। जी वंदना जी, हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो जानते हैं कि हमारे देश में कितना कृषि विकास हुआ है। जी कृषि उत्पादन के मामले में, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हम न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि निर्यातक भी हैं। इसी तरह उद्यानिकी फसलों में भी हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया 2022-23 में। दुग्ध उत्पादन के मामले में भी हम विश्व में सर्वोपरि हैं। तो ये सब संभव हुआ टेक्नोलॉजी की बदौलत। जी और वो टेक्नोलॉजी का जो योगदान है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और आज भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो निरंतर नए बदलाव के दौर से गुजर रही है जिससे कि हमारा किसान समृद्ध बन सके। और जैसे जितना उत्पादन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कृषि में अब समस्याएं ख़त्म हो गई है, कृषि में समस्याएं भी बहुत है, चाहे वो मौसम के बदलते हुए मिजाज को लेके है। आप देख रहे हैं तो तापमान चरम पे हो जाता है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा 45 डिग्री तक और सर्दी के दिनों में शून्य से भी नीचे चला जाता है। इसी तरह से फार्म मशीनरी को लेके समस्या है या कोई कृषि क्रियाओं को लेके समस्या है, नए नए जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, कीड़े बीमारियाँ वो भी आती रहती है। इसी तरह से समस्याओं पर अगर ध्यान दें तो आप देखिए कि विपणन को लेके है, भंडारण को लेके है और प्रसंस्करण को लेके है, तो समस्याएं हैं। इन समस्याओं का जो मौजूदा समस्याएं कुछ भावी चुनौतियां हैं, इनका समाधान हमें निरंतर ढूंढते रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो जो स्टार्टअप होता है इसमें स्टार्टअप की अहम भूमिका होती है। अब पहला सवाल आपने जैसे पूछा कि हमारे जो युवा हैं उनको ये बड़ा फैंसी वर्ड लगता है कि स्टार्टअप तो ज़्यादातर स्टार्टअप आईटी सेक्टर में होते थे। अब कृषि में जो स्टार्टअप जो जुड़े हुए हैं, कृषि समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, वो एग्री स्टार्टअप कहलाते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब एक युवा कंपनी है, यानी कोई भी कंपनी होती है वो अपने प्रारंभिक चरण में जब होती है तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। और इसके कुछ विशेषताएं भी होती है जिन पे अपन चर्चा करेंगे, पर स्टार्टअप का मतलब है जो हमारी जो मौजूदा समस्या है, चाहे वो प्रसीजन फार्मिंग को लेके हो, वेस्ट टू वेल्थ को लेके हो, चाहे कोई हमारे किसी प्रसंस्करण को लेके हो, कई तरह की जो समस्याएं हैं उस समस्या को पहचानना, उस पर गौर करना और उसका कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन, इनोवेटिव आइडिया, मतलब जो नवाचारी विचार से, नवाचारी आइडिया से उसका समाधान देना, और फिर समाधान भी ऐसा हो जो कि केवल स्थानीय समाधान नहीं हो, उसका दूर स्केलेबिलिटी हो, दूसरी जगह भी वो समाधान कारगर हो। तो ये जो काम करते हैं ऐसी कंपनी को हम स्टार्टअप कहते हैं जी, और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है इसलिए एग्री स्टार्टअप कहते हैं। जी बिल्कुल बखूबी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में, हाँ। तो दोनों में क्या अंतर है? जी देखिए यूँ कहूँ मैं कि इनमें तीन प्रमुख अंतर है। एक तो इनोवेटिवनेस जो हमने बात की कि नवाचारी, बिजनेस तो एक पैतृक चला आता है, पुश्तैनी बिजनेस होता है जिसको हम करते जिसको हैं, निरंतर बढ़ाते रहते हैं। जैसे कोई दूध इकट्ठा करता है, दूध को बेच रहा है, तो वो उसका वो बिजनेस हो गया। या कोई ग्रेन मर्चेंट है, वो अनाज खरीदता है, उसका जो ग्रेडिंग करता है, बैगिंग करता है, बेचता है, तो ये उसका बिजनेस हो गया। लेकिन स्टार्टअप का मतलब है कि उसमें कोई इनोवेटिवनेस हो, यानी दूध को अगर वो लेता है, कोई फ्लेवर्ड मिल्क बना के बेचता है या
ग्रेन को कोई प्रसंस्करण कृत करके बेचता है, या कोई हमारे जो उत्पाद हैं उन उत्पाद नया उत्पाद देता है या नया कोई प्रोसेस ढूंढता है, तो वो जो स्टार्टअप कहलाएगा जी। दूसरी बात वो इसमें हो गई रिस्क, क्योंकि स्टार्टअप बिल्कुल नया आइडिया होता है, बिजनेस तो अपना जैसा काम चला आ रहा है चलता आ रहा है उस तरह से होता है, तो नया आइडिया में जो फेल्योर के चांस हैं, असफल होने के चांस हैं, वो ज़्यादा हैं, जबकि बिजनेस में वो चांस नहीं है। पर क्योंकि नया आइडिया होता है, अगर किसी को पसंद आ जाए तो कंपनी रातों रात है जो बहुत ज़्यादा ख्याति और प्रॉफिट ले सकती है, जबकि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कंपटीटर्स बहुत होते हैं, तो बिजनेस में ऐसी कोई एकाएक कोई उपलब्धि नहीं होती है। तीसरी बात है कि भाई फंडिंग, फंडिंग में बिजनेस में ज़्यादातर अपना पुश्तैनी या अपना घरेलू फंड होता है, और स्टार्टअप फंड्स को जुटाता भी है, वो है जो अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट बनाता है और सीमित राजस्व से वो शुरू करता है जी। तो फंडिंग है जो वो चाहे तो वो खुद की फंडिंग हो सकती है, बूटस्ट्रैप जिसको कहते हैं, चाहे वो एंजल फंडिंग किसी से ऋण लेता है, चाहे वेंचर कैपिटल से लेता है, चाहे वो कई सरकारी ग्रांट भी मिलती है कई बार स्टार्टअप्स को। तो इस तरह से ये तीन प्रमुख अंतर हुए, एक तो इनोवेटिवनेस का हुआ, एक रिस्क का हुआ और एक फंड का हुआ। तो ये तो हमारे किसान साथी बखूबी जान चुके होंगे कि स्टार्टअप और बिजनेस दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अपना अपना अलग अलग ही महत्व है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब कि स्टार्टअप किस तरह से शुरू किया जाए, तो ये आप हमारे किसान साथियों को जरा संक्षिप्त में बताइए। जैसे सबसे पहली बात है कि जो हमने कृषि संबंधी समस्या देखी है जी, चाहे वो फार्म मशीनरी को लेके, तो हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है वो पहले किस दिशा में जा रहा है, कोई प्रोसेसिंग को लेके है या कोई प्रिजर्वेशन को लेके है या वेस्ट टू वेल्थ है। मान लो जैसे हम कहीं बात की गोबर है जिसको हम जो वेस्ट समझने लग गए थे, लेकिन गोबर के इतने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, गोबर से पेंट बनाए जा रहे हैं, गोबर से थर्मो ब्रिक्स जो बनाई, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाई जा रही है, धूप बत्ती बनाई जा रही है, अगरबत्ती बनाई जा रही है, कई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो एक इनोवेटिव आइडियाज हुए, तो जो मौजूदा हमारा जिधर दिमाग काम करता है, इनोवेटिव आइडिया हमारी तरफ है, उस आइडिया को लेके और हम कंसंट्रेट करें। फिर है जो हमारे एक दो तीन जो भी उसके एक कंपनी बनाने के लिए संस्थापक से संस्थापक चाहिए, उनसे खुल के चर्चा करें जी। फिर मार्केट रिसर्च करें, मार्केट स्टडी करें कि बाजार में इस समाधान की, इस प्रोडक्ट की या इस प्रोसेस की मांग कितनी मांग है, कितनी है जी। मांग होगी तभी है जो उसकी बिक्री होगी। तो सेल स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो किस तरह से जो उसकी सेल होगी, उसका ब्रांड नेम क्या दिया जाएगा, एक अच्छा सा ब्रांड नेम भी हमें सोचना पड़ेगा। फिर है जो बात आती है कि हम उस प्रोडक्ट का जब बारे में सारा चर्चा कर ली, तो उसके फिर रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो वो हमारा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं हम, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, चाहे वो हमारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, तो ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी। उस कंपनी के लिए हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई कंपनी सेक्रेटरी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म और इससे प्रोफॉर्मा होते हैं जिसमें हम खुद लॉगिन करके और आगे बढ़ेंगे तो थोड़े ऐसे कई जटिलताएँ सामने आएगी, तो किसी की मदद लेके फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद में हम जो DPIIT है, यानी कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसके वहाँ जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और फिर बाद में हम फंडिंग की बात करते हैं, तो फंडिंग के लिए हम तलाशते हैं कि हमारे घर की खुद की फंड कितना है, हमारे फैमिली से फ्रेंड से कितना फंड मिल सकता है, तो अगर उस सब हमारा काम चल जाता है तो हम जी पहले जैसे बिल्कुल अगर हमारे कोई किसान साथी है जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, और वो अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो अगर अपन फंडिंग की जैसे आपने बताया है ना कि किस प्रकार स्रोत होने चाहिए, हम पहले हमारा जो बिजनेस मॉडल है जी किसान साथियों, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कार्यक्रम में फोन करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो जब आप कार्यक्रम में फोन करें तो आप स्टार्टअप से संबंध ही सवाल करें, और जब आप फोन करें तो अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम रखें। सर आप जानना चाहेंगे कि तो अगर हम स्रोत बात करें फंडिंग की, हाँ, ना हाँ, तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या तो
हम पहले जो हमारी कंपनी है उसका उद्देश्य पूरी तरह से परिभाषित कर लेते हैं कि हमारी कंपनी क्या कौन सी समस्या के समाधान के लिए करेगी, तो फिर वो सब जब बातें स्पष्ट हो जाती है तो हम फंड में पहले तो ये देखें कि हमारे घर की हम पूंजी कितनी लगा सकते हैं, हम हमारे मित्रों से कितनी ले सकते हैं, जो सह संस्थापक है वो कितना लगा सकते हैं। अगर उसी में हमारा काम चल जाता है तो शुरुआत में हम बूट स्ट्रैप हमारे खुद की कंपनी चालू कर देते हैं। अगर उससे काम नहीं चलता है तो बाजार के अंदर कई एंजल फंडिंग होती है, यानी कोई ऐसा होता है ऋणदाता जो कि ये देखता है कि इस आइडिया में दम है और इसका बाजार भी है और ये चल निकलेगी, तो वो अपना कुछ प्रॉफिट पे उनको एज जैसे ब्याज पे देते हैं उसी तरह से जो फंडिंग कर देता है, फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो यही काम करते हैं कि नए नए जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें कि बड़े दमदार विचार होता है और उनको लगता है कि ये आगे जाके सफल होंगे, तो वो वेंचर कैपिटल से फंडिंग होती है। हमारे सरकारी बैंक भी इसके लिए ऋण देते हैं जी। तो वो ऋण है जो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के कई बार ऋण देने को तैयार हो जाते हैं, 40 लाख 50 लाख या तक कि 2 करोड़ तक के ऋण दे देते हैं। वो भी निर्भर करता है कि आपका आइडिया कितना दमदार है, इनोवेटिव है और मार्केट उसको कितना मिलेगा। और सरकार भी कई बार जो सपोर्ट करती है उसको हम ग्रांट कहते हैं, ग्रांट इन एड यानी अनुदान के रूप में देती है, तो वो भी अवसर तलाशना चाहिए जी। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि DPIIT के बारे में आपने जिक्र किया, हाँ, तो अगर हम DPIIT के बारे में बात करें तो उसमें आवेदन का क्या मतलब व्यवस्था रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है? वो जो startupindia.gov जो साइट है उसके ऊपर लॉगिन करके और देखें उनको जो क्या क्या जो प्रोफार्मा और सर्टिफिकेट और उनकी ज़रूरत होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी CIN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमारे पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी दस्तावेजों की वो दस्तावेज CA साहब या कोई कंपनी सेक्रेटरी कोई भी बता देते हैं, फिर वो होते हैं। अब DPIIT ये कहती है कि जब स्टार्टअप आप कहलाना चाहते हैं तो आपकी कंपनी 10 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो टर्नओवर है वो पूरे वित्तीय वर्ष में मिला के और 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो जी। इसके अलावा अगर आपकी पहले कोई प्रोप्राइटरी फर्म थी या कोई ये जो प्राइवेट फर्म थी इंडिविजुअल की, तो उसको स्प्लिट करके उसका विभाजन करके या उसको रीस्ट्रक्चर करके और आपने कंपनी नहीं बनाई हुई होनी चाहिए, वो स्वीकार्य नहीं है। बाकी ये जो अगर एकदम नई कंपनी है, उद्देश्य स्पष्ट हैं और सब चीज़ों की पूर्ति होती है, तो बहुत जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं जी। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये तो आपने दिशा निर्देश की बात करी कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस तरह से आपको पूंजी की व्यवस्था भी आपको हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या उम्र की सीमा भी कोई निर्धारित है? जी, ये सबसे अच्छी बात है कि स्टार्टअप बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। ये विचार अगर युवाओं के मस्तिष्क में आता है, इनोवेटिव आइडिया, बहुत ही अच्छी बात है। अगर अधेड़ के आता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बुजुर्ग के आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कहीं भी कोई उम्र की सीमा नहीं है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कोई जो क्वालिफिकेशन होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता की भी अनिवार्यता नहीं होती है कि कोई ग्रेजुएट ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है या स्टार्टअप हो सकता है। आप अपने नवाचारी विचार को कहीं से भी कोई सोच के और मूर्त रूप दे सकते हैं। तो किसान साथियों, आपके लिए ये तो बेहद खुशी की बात है कि ना कोई उम्र की सीमा है और ना ही कोई शैक्षणिक योग्यता है, और आप बड़े ही सरलता के साथ में अपना स्टार्टअप जो शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका अपने क्षेत्र में इतना अनुभव रहा है, इतने वर्षों का अनुभव रहा है, तो आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट को मतलब प्रेरणा दी इस तरह से स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। देखिए, मुझे अवसर मिला और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की मदद से एक स्टार्टअप श्रीकृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया, और उसमें अभी भी वो चल रहा है। उसमें कोई भी अप्लाई करना चाहे तो बीच बीच में विज्ञापन आते हैं और रोलिंग एड भी होता है कि आप किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना पूरा एक प्रोफार्मा है गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। आप उसमें अपना जो नवाचारी विचार है सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए कि मेरा ये नवाचारी विचार है, मैं ये करने की मंशा रखता हूँ या रखती हूँ। इसके साथ ही आप अपने माइल
माइलस्टोन्स बताइए कि मुझे किस तरह से आगे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। आप अपना बिजनेस मॉडल स्पष्ट कीजिए, आप अपना रेवेन्यू मॉडल स्पष्ट कीजिए कि इतनी पूंजी तो मेरे पास है और इतनी पूंजी की व्यवस्था मैं इस तरह से करना चाहती हूँ। और फिर वो जो एक स्क्रूटनी कमेटी होती है वो उसका पूरा तरह से देखती है, मूल्यांकन करती है, फिर उच्च स्तरीय समितियों के सामने एक स्टार्टअप को जो प्रोस्पेक्टिव जो एक ऐसा मतलब इच्छुक है उसको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, फिर दूसरी उच्च स्तरीय समिति उसका प्रेजेंटेशन देगी। तो कई जगह इनके लिए निशुल्क प्रशिक्षण सुविधा भी है, जिन एरियाज में पूरी जानकारी नहीं है वो नेटवर्किंग की सुविधा देते हैं, वो आपको जो दूसरे जो आयकर कम्युनिकेशन करते हैं, 1-to-1 डिस्कशन भी होता है और मेंटर्स होते हैं, वो मेंटर्स बताते हैं कि आप इस तरह से आयकर के नियमों में ये जानकारी रखिए और आपने दस्तावेजीकरण इस तरह से कीजिए, फंड्स जुटाने के लिए आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये होता है, फिर बाद में प्रशिक्षण के बाद अपना बिजनेस बढ़ता है, फिर आगे बढ़ते हैं, बैंक भी लोन दे देता है और आपके प्रोजेक्ट में निखार आता है प्रशिक्षण के बाद में, तो आप उसको रिवाइज करते हैं और एक सफल एग्री स्टार्टअप इस तरह से बन सकते हैं। बिल्कुल, किसान साथियों आपके साथ साथ हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अपने स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं और वो अपने साथ साथ दूसरी औरतों को भी प्रेरणा दे सकती हैं। और अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए आप जीरो वर्थ से यानी कि आप बहुत ही कहते ना कि आप शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें कि आजकल लोगों की पसंद है मोटा अनाज और मोटे अनाज में अगर हम बात करें तो इतने सारे प्रोडक्ट तैयार होने लग गए हैं कि आप उसमें टेस्ट भी ले सकते हैं, आप उसमें अपना व्यापार भी बना सकते हैं। तो अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में हमारे किसान साथी किस प्रकार से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो वीमन स्टार्टअप होती है उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, कई बार जो अनुदान मिलता है तो अभी उनको थोड़ा सा बढ़ के मिलता है या उनको वरीयता दी जाती है कि वो खेती में आगे आ रही है और इस तरह के नवाचारी विचार उनके हैं। अब मैं मेरे अनुभव से बताऊं कि हमारे जो जौबनेर कृषि विश्वविद्यालय से स्टार्टअप तैयार हुए उनमें से जैसे श्रीगंगानगर क्षेत्र में किन्नो ज़्यादा होता है और किन्नो जब होता है तो इतना होता है कि जो फार्मर होता है उनको तो 10 रुपये किलो ही कभी बेचना पड़ता है, उससे भी कम दामों पर। तो उन्होंने क्या किया कि किन्नो से जैम तैयार कर लिया और जैम तैयार करके ब्रेड पे स्प्रेडर और कई तरह के प्रोडक्ट तैयार किए, क्योंकि एक हमारे स्टार्टअप ने बेर से जो प्रोडक्ट तैयार किए जो कि बेर जबकि मौसमी फल है और बाद में दिखता ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपके पास विचार है तो अभी मान लो खरबूजा तरबूजा हो रहा है और ये बरसात आते ही ये जो लुप्त सा हो जाता है, तो उसको जो हम प्रिजर्व करके प्रसंस्कृत करके बिना केमिकल की सहायता से अगर कहीं पर रखते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, कोई उसका क्रश बना के जूस बना के कुछ बना के, कुछ स्टार्टअप है जो जैसे चीकू की कैंडी बनाते हैं जी। तो ये बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो इनोवेटिव आइडियाज वो आपको कई बार ट्रेनिंग में भी डिस्कशन से और साथियों से डिस्कशन से उभर के आते हैं, तो यूँ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात और मिलेट्स की जो आपने बात कही, देखिए जो अभी श्री अन्न जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी मेहता विश्व स्तर पे पहचानी गई है कि इनके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इनके अंदर जस्ता होता है। अभी कोरोना काल में वंदना जी आपको याद है कि डॉक्टर्स कहा करते थे कि अमीनो एसिड ले वो, जस्ता की खुराक ले वो, जो टेबलेट्स ले वो, जिससे आपके अंदर रोगरोधी क्षमता बढ़े। तो हमारे मिलेट्स के अंदर वो सब चीज़ें कुदरतन तौर पे चाहे वो मिनरल्स हैं विटामिंस हैं वो हैं उपलब्ध, और उनका प्रसंस्करण क्योंकि वो कई बार कठोर उनके ऊपर कोट होता है सीड के ऊपर, तो हर एक को नहीं मालूम है कि उसको किस तरह से उसको भोजन के फूड आइटम में तब्दील किया जाए, लेकिन यहाँ रोल फिर आता है स्टार्टअप्स का कि हमारे स्टार्टअप उनको जो प्रसंस्कृत करके चाहे उनके मफिन बनाएं चाहे उनके केक बनाएं चाहे बिस्किट्स बनाएं, कोई बेकरी आइटम तैयार कर सकते हैं लोगों की पसंद के हिसाब से, मार्केट हमारे कंज्यूमर क्या चाहते हैं तो वो देख के और ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको एक ऊर्जा मिल रही है अपना स्टार्टअप करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका अपने क्षेत्र में इतना अनुभव रहा, आपके कार्यकाल में आपने बहुत सारी समस्याएँ देखी, बहुत सारे लोगों का निवारण किया, हम चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों को आपकी तरफ से एक संदेश।
संदेश यही है कि ये जैसा नाम प्रतीत होता है, ऐसा ना सोचें कि कृषि वाले क्या कर सकते हैं, कृषि वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि IITN है जो कृषि क्षेत्र में आके और अपना स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, तो लीजिए कोई भी एक समस्या जो आपको स्थानीय लगती है और मौजूद समस्या है या भविष्य की कोई चुनौती बनने जा रही है, चाहे जलवायु परिवर्तन को लेके हो, चाहे कोई फसल सुरक्षा को लेके हो, विपणन को लेके हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स को लेके हो, तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए और उस समाधान को लेके और उसके सेल्स स्ट्रेटेजी बनाइए और स्टार्टअप में रजिस्टर होइए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, आप खुद अपना स्टार्टअप शुरू करके आप अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं, आप अपने अपने आप को एक कमाई का मतलब कहते हैं ना कि आप अपने आप में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आम भाषा में हम कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी पे किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं रह सकते, आप दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारी, जी हाँ, आज के कार्यक्रम में विशेष जानकारियों से आप बखूबी अवगत हुए होंगे और आप इनका लाभ लेंगे, आप इसको उपयोगी बनाएंगे अपने लिए। और अगर आपके कोई सवाल है जो कि आप हमसे उनके समाधान जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 207, झालाना डुंगरी, जयपुर। आप इसमें हमें इस पते पे हमें पत्र लिख सकते हैं और उम्मीद करते हैं आज का मैं कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके साथ में दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।